नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, स्वागत है सभी का। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है सिलॉजिज्म न्याय निगमन। ठीक है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर कोई एग्जाम में सिलॉजिज्म आता है और आज इसे हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, है ना। कैसे, देखिए, फर्स्ट सबसे पहले ऑल पेन आर पेंसिल, सभी पेन पेंसिल हैं, तो पेन जितने भी हैं वो किसके अंदर आएंगे, पेंसिल के अंदर आएंगे। ऑल पेन आर पेंसिल मतलब सभी पेन पेंसिल हैं, तो पेन किसके अंदर आएंगी, पेंसिल के अंदर आएंगी। तो जब भी सभी की बात आएगा डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है, याद रखना है, नोट कर लो। फिर लिखा है सम पेन आर पेंसिल, मतलब कुछ पेन पेंसिलें हैं, तो पेन को हल्का सा टच करना है किससे, पेंसिलों से। जब भी सम की बात करे कुछ की तो दोनों एक दूसरे से टच होंगे, और जब भी बात करेगा सभी की तो एक के अंदर एक डायग्राम बनेगा। तो ये कुछ के लिए डायग्राम है, कुछ पेन पेंसिल है, पेन को किसे टच किया मैंने, पेंसिल से टच किया। देख लो एक बार, डायग्राम बनाने के लिए ये बेसिक पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तीसरा नो पेन आर पेंसिल, मतलब कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो जाहिर सी बात है पेन को अलग रखना है और पेंसिल को अलग रखना है, दोनों एक दूसरे से टच नहीं होंगे, ठीक है। नो पेन आर पेंसिल मतलब कोई पेन पेंसिल नहीं है, ये डायग्राम इसका है, देख लीजिए आप एक बार। अब ये डायग्राम बना लो पूरी क्लास, ये वाला डायग्राम बना लो, ए बी सी और डी, ठीक है। अब क्या लिखा है, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं सही माना जाएगा, सभी ए डी हैं, सभी ए डी हैं सही माना जाएगा, सभी बी डी हैं, सभी बी डी हैं सही माना जाएगा। आपको याद रखना है कि ऐसा डायग्राम जब भी आए गोले के अंदर गोला, ठीक है, तो यहां पर अंदर से बाहर सभी वाली कंडीशन हमेशा सही मानी जाती है। कैसे, सभी ए बी हैं सही है, सभी ए सी हैं सही है, सभी ए डी हैं सही है, सभी बी सी हैं सही है, सभी बी डी हैं सही है, सभी सी डी हैं सही है, अंदर से बाहर सभी वाली कंडीशन सही होगी। और तीनों पे राइट टिक कर लेना, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सभी वाला डायग्राम सही माना जाता है, ऐसे डायग्राम में सभी वाली कंडीशन सही मानी जाती है। नेक्स्ट डायग्राम वही है जो पहले था, वही डायग्राम है, पर इस बार उल्टा लिखा। कैसे, सभी डी ए हैं बाहर से अंदर, सभी डी ए हैं गलत माना जाएगा, सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं गलत माना जाएगा, सभी डी बी हैं, सभी डी बी हैं गलत माना जाएगा। तो याद रखना है ऐसे डायग्राम में अंदर से बाहर सभी वाली कंडीशन तो क्या होती है, सही होती है, ठीक है, और बाहर से अंदर सभी आ जाए, सभी डी ए हैं गलत, सभी डी बी हैं गलत, सभी डी सी हैं गलत, सभी सी ए हैं गलत, सभी बी ए हैं गलत, बाहर से अंदर सभी वाली कंडीशन हमेशा क्या मानी जाती है, गलत मानी जाती है। तो इसको एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो अंदर से बाहर सभी वाली कंडीशन सही होती है और बाहर से अंदर सभी आ जाए तो ऐसी कंडीशन को क्या माना जाएगा, हमेशा गलत माना जाएगा, ठीक है। अब इसी में ही डायग्राम वही है और इस बार क्या लिखा है, देखो पहले में लिखा है कुछ ए सी हैं, कुछ बी डी हैं, कुछ बी डी हैं, कुछ डी ए हैं, कुछ डी ए हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कुछ वाली कंडीशन ऐसे डायग्राम में क्या मानी जाती है भाई, सही मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सही। तो तीन नियम है इसके, पहला ऐसे डायग्राम में अंदर से बाहर सभी वाली कंडीशन सही होती है, बाहर से अंदर सभी वाली कंडीशन हमेशा गलत होती है, और कुछ अंदर से बाहर के लिए आ जाए या बाहर से अंदर के लिए आ जाए, कुछ वाली कंडीशन हमेशा क्या होती है, सही होती है। तो एक बार देख लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब नोट फर्स्ट में क्या लिखा है, देखो ऑल बुक्स आर टेबल्स, ऑल पेपर्स आर टेबल, यानी सभी किताबें मेज हैं और सभी पेपर मेज हैं। राइट हैंड पे चीज लिखी हुई कॉमन आ जाए, टेबल टेबल मेज मेज, क्लियर है। राइट हैंड पे चीज लिखी हुई कॉमन आ जाए तो उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, टेबल के अंदर एक साइड में बुक्स आएंगी, टेबल के अंदर एक साइड में पेपर्स आएंगे,
टेबल बुक्स और पेपर्स को आपस में टच नहीं करना है, बस इसका आपको ध्यान रखना है। वापस सुनिए मेरी बात कि टेबल के अंदर एक साइड में बुक्स आएंगी, टेबल के अंदर एक साइड में पेपर आएंगे, पर एक दूसरे से दोनों टच नहीं होंगे। तो ये कथन लिख लो, इसके नीचे डायग्राम बना लो, काम आएगा अभी। तो राइट हैंड भी चीज़ लिखी हुई कॉमन आ जाती है इस तरीके से। तो फिर हमें याद रखना है कि टेबल के अंदर एक साइड में तो बुक्स आएंगी और एक साइड में पेपर आएंगे, पर दोनों एक दूसरे से टच कभी भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, नोट सेकंड। अब नोट सेकंड को समझते हैं क्या लिखा है कथन। हमेशा कथन को देख के डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लिखा है सभी ऑल डोर्स आर टेबल, मतलब सभी दरवाजे टेबल हैं। तो डोर किसके अंदर आएंगे? टेबल के अंदर। दरवाजे किसके अंदर आएंगे? टेबल के अंदर। डायग्राम ऐसे बनाते हैं, हमेशा कथन से डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर लिखा है ऑल टेबल्स आर चेयर, टेबल जितनी भी हैं वो किसके अंदर आएंगी? चेयर के अंदर आएंगी, ठीक है। तो मेज जो है वो क्या है? कुर्सियां हैं। तो डायग्राम ऐसा बन गया। फिर लिखा है नो टेबल आर टेलीफोन, मतलब कोई टेबल क्या नहीं है भाई? टेलीफोन नहीं है, टेबल की टेलीफोन से बना है। ये तो था कथन, और कथन से बन गया डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम के बारे में समझते हैं। जब टेबल की टेलीफोन से मनाएं तो आप बताइए डोर की टेलीफोन से मना होगी या नहीं होगी? होगी भाई, जाहिर सी बात है होगी। जब टेबल की टेलीफोन से मनाएं तो डोर की भी टेलीफोन से मनाएं, ये बात ध्यान रखेंगे। बाहर की जब मना हो जाए तो अंदर कुछ भी लिखा है उसकी मना अपने आप हो जाती है, क्लियर है। तो यहां जब टेबल टेलीफोन नहीं है तो डोर भी टेलीफोन नहीं होंगे। निष्कर्ष चेक करते हैं। अब पहला लिखा है ऑल डोर आर चेयर, मतलब सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, सभी दरवाजे कुर्सियां हैं अंदर से बाहर। ऐसे डायग्राम में सभी वाली कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको? सही बताई थी, याद है। फिर लिखा है कि सेकंड में कि कोई दरवाजा टेलीफोन नहीं है। अब देखिए भाई, जब टेबल की टेलीफोन से मना है तो दरवाजे टेबल के अंदर हैं, तो टेलीफोन से इनकी भी मना होगी। मैंने बताया था बाहर की मनाए तो अंदर कुछ भी लिखा है उसकी अपने आप मनाए। तो टेलीफोन की डोर से यानी टेलीफोन की दरवाजे से मनाए, और ये लिखा है, यही लिखा है कोई दरवाजा टेलीफोन नहीं है, तो ये बात क्या मानी जाएगी? सही मानी जाएगी। कोई कुर्सियां टेलीफोन नहीं है। अब मेरी बात सुनो, डायग्राम में चेयर और टेलीफोन की स्थिति क्लियर है क्या? नहीं है। यहां कुर्सी और टेलीफोन की स्थिति क्लियर नहीं है। आप एक बात याद रखेंगे, जब भी जिसकी स्थिति क्लियर ना हो उसके बारे में हमसे कोई भी बात पूछी जाए वो कभी भी सही नहीं मानी जाती। तो यहाँ चेयर टेलीफोन की स्थिति क्लियर नहीं है, इसके बारे में कोई भी बात सही कह रहा है। कुर्सी टेलीफोन नहीं है तो ये बात क्या मानी जाएगी? गलत, क्योंकि कुर्सी और टेलीफोन के बारे में हमें जानकारी नहीं है। एक बार देख लीजिए, तो कथन से डायग्राम बनाना होता है, निष्कर्ष को चेक करना पड़ता है कौन सा सही कौन सा गलत। यहाँ पर टेलीफोन की टेबल से बना थी तो डोर की भी टेबल से बना हो जाएगी, और कुर्सी और टेलीफोन की स्थिति क्लियर नहीं थी, है ना। और जिसकी स्थिति क्लियर नहीं होती उसके बारे में कुछ भी सही नहीं करते, क्या करते उसके बारे में? हमेशा गलत करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कथन तो वही था पिछला वाला, डायग्राम भी वही है पिछला वाला, मैंने सिर्फ क्या चेंज कर दिया? निष्कर्ष, क्योंकि आइदर वाली जो कंडीशन है या तो वाली कंडीशन और एग्जाम में आ जाती है। वैसे ये कंडीशन जो या तो वाली है वो सीधे तो बैंक पीओ में देखी जाती है, पर फिर भी आजकल चार ऑप्शन के अंदर भी ये कंडीशन को एग्जामिनर दे रहा है एग्जाम में, ठीक है, हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर या तो वाली कंडीशन के लिए क्या है? देखो, कथन वही पिछला वाला है, डायग्राम भी वही पिछला वाला है, निष्कर्ष चेंज किया है। एक में कह रहा है कुछ कुर्सियाँ टेलीफोन हैं, पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जिसकी स्थिति क्लियर ना हो डायग्राम में, टेलीफोन और चेयर की स्थिति क्लियर नहीं है, जिसकी स्थिति क्लियर ना हो डायग्राम में उसके बारे में एक तो कह दे पॉजिटिव बात है और एक उसके बारे में कह दे नेगेटिव बात नहीं है। तो देखो, यहां कह रहा है कुर्सियां टेलीफोन हैं, पॉजिटिव बात, कुर्सी टेलीफोन की तो स्थिति क्लियर नहीं है, है ना। फिर कह रहा है कुर्सी टेलीफोन नहीं है, दोनों बातें एक साथ कर देता है तो कौन सी कंडीशन आ जाती है? या तो, मतलब या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। तो वापस सुनिए,
जिनकी स्थिति क्लियर नहीं होगी उन दोनों के लिए एक पॉजिटिव बात और उन दोनों के लिए एक नेगेटिव बात जब एक साथ आ जाती है तो ऐसी सूरत में कौन सी कंडीशन आती है, या तो इसको भी देख लेना, काम आएगी। अभी ये अभी नियम चल रहे हैं, चैप्टर की शुरुआत नहीं हुई, अगर नियम क्लियर हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो ये या तो वाली कंडीशन ज़्यादातर तो बैंक पीओ में देखी जाती है, पर आजकल क्या है, एग्जामिनर समझदार हो गया है भाई, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन या तो को रख देता है। ठीक है, आपको आना चाहिए, बस ध्यान ही रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है, ये आखिरी बेसिक है, सबसे ज़्यादा गलती लोग इसी में करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले डायग्राम को समझते हैं। यहाँ कुछ ए बी हैं, ये कथन है जिसका ये डायग्राम है, कुछ ए बी है, मैंने कथन नहीं लिखा, डायरेक्ट निष्कर्ष लिखें। डायग्राम को देख के यूँ चेक करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला, कुछ ए बी हैं, डायग्राम को देख के सही है भाई, है ना, कुछ बी ए हैं, डायग्राम को देख के ये भी सही है, तो दोनों बातें डायग्राम को देख के सही हैं, है ना। अब सुनो, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। आप देखो, नॉर्मल जिंदगी में जाओगे तो कुछ ए बी हैं तो कुछ ए बी नहीं भी सही होने चाहिए, नॉर्मल जिंदगी की बात कर रहा हूँ। पर यहां पर जब भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए नहीं लिख के, ठीक है, कुछ ए बी नहीं है या कुछ बी ए नहीं है, और जब भी नहीं लिखा हुआ आ जाए तो इनको कभी भी सही नहीं करना है, इनको क्या करना है, हमेशा गलत करना है। नेगेटिव सेंटेंस हमेशा गलत होते हैं। यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग बाग, जिनको नियम नहीं पता है वो इन दोनों को सही करके आते हैं, जबकि आपको क्या करना है, गलत। तो याद रखना है, जब भी नहीं लिख के दे दे ऐसे डायग्राम में, कुछ ए बी नहीं है गलत, कुछ बी ए नहीं है गलत, तो नहीं लिख के देता है तो क्या मानना है, गलत। फटाफट नोट करो, फिर अगला वाला समझाऊंगा। सबसे बड़ी गलती इसमें ही होती है भाई। अगला डायग्राम है ए और बी वाला, इसको भी ध्यान से देखेंगे। यहां पर लिखा है कुछ ए बी हैं, कुछ ए जो हैं वो क्या हैं, बी हैं, ये बात सही है इस डायग्राम में, और कुछ बी ए हैं ये भी सही है। मैंने कहा था कुछ अंदर से बाहर हो या बाहर से अंदर हो, कुछ वाली कंडीशन तो आपको क्या माननी है, सही माननी है। क्या माननी है भाई, सही माननी है, ठीक है। अब देखो, कुछ ए बी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस, कुछ बी ए नहीं है, और जब भी नहीं लिख के देता है तो फिर क्या मानना है, गलत मानना है, ठीक है भाई। तो याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस ऐसे डायग्राम में हमेशा क्या माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं। नोट कर लेना, काम आएगा अभी। तो ये नियम थे, अभी तक मैंने जितने भी नियम पढ़ाए हैं इन्हीं नियम के आधार पे अब एग्जाम्पल हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड पे। बस आप ध्यान ये रखना कि जितने भी नियम हैं उनके अनुसार ही आपको सॉल्व करना है, पहली बात तो, और दूसरा आप ये चीज़ याद रखें इसमें कि कथन को देख के हमेशा डायग्राम बनेगा, निष्कर्ष को चेक करना होता है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए, ये पांच ऑप्शन हैं, अपने एग्ज़ाम में आएंगे चार, और बैंक में कितने आते हैं, पांच। मैंने पांचों लिख दिए क्योंकि इन पांचों में से कोई से चार आएंगे, मैं नहीं जानता हूँ कौन से चार आएंगे, पर आएंगे चार, इनमें से ये फाइनल है। तो इन ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए पूरी क्लास क्या लिखा है, फिर इन पे डिस्कस करेंगे। अगर केवल फर्स्ट निष्कर्ष आपका आंसर आता है तो आपको आंसर देना है ए, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड आपका सही होता है तो आप आंसर देंगे सेकंड। आइदर वाली कंडीशन के लिए, या तो वाली कंडीशन के लिए आप आंसर देंगे सी ऑप्शन, और जब दोनों आपके गलत होंगे तो आप आंसर देंगे डी ऑप्शन, और दोनों आपके सही होंगे तो आप आंसर देंगे ई ऑप्शन। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब शुरुआत करते हैं, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, हमेशा याद रखना है कथन को देख के हमेशा डायग्राम बनेगा, निष्कर्ष को चेक करना है कौन सा सही कौन सा गलत, दोनों सही या फिर दोनों गलत। सभी हेलीकॉप्टर बस हैं, सभी हेलीकॉप्टर क्या हैं भैया, बस हैं। हेलीकॉप्टर किसके अंदर आएंगे बोलो, बस के अंदर आएंगे, सही है। फिर लिखा है सभी बस कार हैं, बस किसके अंदर आएंगी बताइए, बस कार के अंदर आएंगी। तो कथन को देख के ये डायग्राम बनेगा, इसका देख लीजिए, निष्कर्ष को चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी बस हेलीकॉप्टर है, बाहर से अंदर सभी, बाहर से अंदर सभी वाली कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको नियम के अनुसार,
गलत, क्योंकि ये डायग्राम ABCD वाला ही है, नाम ही तो चेंज है, नियम वही काम करेंगे जो मैंने आपको समझा दिए थे। बाहर से अंदर सभी वाली कंडीशन क्या होती है, हमेशा गलत होती है। सभी हेलीकॉप्टर कारें अंदर से बाहर सभी वाली कंडीशन क्या होती है भैया, सही होती है। सही कौन सा है इसमें, केवल सेकंड। कौन सा सही है, केवल सेकंड सही है, केवल सेकंड सही है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल आपको करना है, चलो शुरू हो जाओ। हाँ भाई देखिए, यहाँ लिखा है सभी लड़के लड़कियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है लड़के जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, सभी लड़के क्या हैं, लड़कियाँ हैं, सभी लड़के क्या हैं, लड़कियाँ हैं। कोई भी लड़की मूर्ख नहीं है, अब मेरी बात सुनो, कोई भी लड़की क्या नहीं है, मूर्ख नहीं है। जब लड़की मूर्ख नहीं है तो क्या लड़के हो सकते हैं, क्या बताओ, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि लड़के जो हैं वो किसके अंदर हैं, लड़कियों के अंदर हैं। पहला, कोई भी मूर्ख लड़की नहीं है, डायग्राम को देख के बिल्कुल सही है, कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है। जब लड़कियां ही मूर्ख नहीं हैं तो लड़के हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो ये बात भी क्या है, सही है। और दोनों बातें सही में यहाँ आंसर की के अनुसार ई ऑप्शन आएगा, एक बार देख लीजिएगा पूरी क्लास, इसमें दोनों निष्कर्ष क्या हैं, सही हैं। थर्ड, कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ चूहे क्या हैं, बिल्ली हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं और सभी बिल्ली गाय हैं, सभी बिल्ली क्या हैं, गाय हैं, सभी बिल्ली गाय हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ लोग डायग्राम ऐसा भी बनाते हैं इसका, चूहे बिल्ली और ऐसे टच कराते हुए लाते हैं गाय, और कुछ समझदार इसका डायग्राम देखो ऐसे ही बनाते हैं, चूहे बिल्ली और ऐसे ऊपर से लाते हैं गाय। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों डायग्राम तो सही हैं, और तीसरा जो डायग्राम है ये गलत है। ऐसा बनाओगे तो कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब निष्कर्ष चेक कर रहे हैं, कुछ गाय, कुछ चूहे गाय हैं, चूहे गाय से टच हैं, सही है, कुछ गाय चूहे हैं, ये भी सही है। तो यहाँ ये दोनों डायग्राम सही हैं, दोनों में से किसी पे भी निष्कर्ष को चेक कर लेना, और दोनों ही निष्कर्ष सही आ रहे हैं। तो कहना ये चाहता हूँ, डायग्राम ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, पर डायग्राम ऐसा बना लेंगे तो आपका कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो फिलहाल यहाँ दोनों निष्कर्ष क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट, सभी आदमी बैल हैं, सभी भेड़ बैल हैं। राइट हैंड पे चीज लिखी हुई कॉमन, नोट फर्स्ट याद है, अभी बेसिक में कराया था मैंने आपको, और मैंने कहा था राइट हैंड पे चीज लिखी हुई कॉमन आ जाती है तो फिर इसके अंदर जितने भी आएंगे वो आपस में टच नहीं होंगे। तो देखो, सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूं, बैल, सभी आदमी बैल हैं, तो आदमी किसके अंदर आएंगे भाई, बैल के अंदर आएंगे। सभी भेड़ बैल हैं, तो भेड़ भी किसके अंदर आएंगी, बैल के अंदर आएंगी। क्या आदमी भेड़ आपस में टच होंगे, नहीं होंगे। पहला, सभी आदमी भेड़ हैं, क्या आदमी भेड़ के अंदर दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, गलत है। पहला, कुछ भेड़ आदमी हैं, क्या भेड़ आदमी से टच हैं क्या, नहीं है, ये भी गलत। तो फिलहाल यहाँ दोनों क्या हैं, डायग्राम को देख के गलत हैं, ऐसे हो गए। नेक्स्ट, कुछ कुत्ते भौंकते हैं, तो कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा, सब सारे कुत्ते भौंकते हैं, कुछ कह रहा है तो कुछ ही मानना है। कुछ कुत्ते
भौंकते हैं, सभी कुत्ते काटते हैं। सभी कुत्ते क्या हैं भाई? काटते के अंदर आएंगे, सभी कुत्ते काटते हैं। ये कथन को देख के हमेशा डायग्राम बनेगा, निष्कर्ष को चेक करना है, कौन सा सही कौन सा गलत, दोनों सही या दोनों गलत। पहला, बे कुत्ते जो भौंकते नहीं है काटते भी हैं, ये तो भौंकने वाले कुत्ते और ये नहीं भौंकने वाले कुत्ते इतने। बे कुत्ते जो भौंकते नहीं है काटते भी हैं, तो जाहिर सी बात है काटते के अंदर आ रहा है कुत्ता, तो पहली बात क्या है? सही है, डायग्राम को देखकर, ठीक है। सेकंड, बे कुत्ते जो भौंकते नहीं है आवश्यक नहीं है काटते हैं, वापस से उतने ही कुत्ते नहीं भौंकने वाले कुत्ते। बे कुत्ते जो भौंकते नहीं है आवश्यक नहीं है, क्या लिखा है भाई? आवश्यक नहीं है काटते, आवश्यक है। कुत्ता है तो काटेगा, कुत्ता है तो काटना पड़ेगा, तो यहां पर कुत्ता किसके अंदर है? काटते के अंदर है। सेकंड वाला पॉइंट क्यों गलत हुआ है? क्योंकि इसमें कह रहा है आवश्यक नहीं है, जबकि आवश्यक है, कुत्ता होने के लिए इसको काटना पड़ेगा। तो पहला सही और दूसरा गलत आएगा, ऐसे हो गए। नेक्स्ट, कुछ फोन घड़ियां होती हैं, देखिए भाई डायग्राम बना रहा हूं। कुछ फोन क्या होती हैं? घड़ियां होती हैं। कुछ फोन घड़ियां होती हैं, सभी घड़ियां बंदूकें होती हैं। सभी घड़ियां क्या होती हैं? बंदूकें होती हैं। पहला, सभी बंदूकें घड़ियां होती हैं, बाहर से अंदर सभी वाली कंडीशन क्या मानी जाएगी भाई? गलत। कुछ बंदूकें फोन होती हैं, बंदूकें फोन से टच हैं क्या? ये सही है। तो यहां पर आएगा केवल सेकंड निष्कर्ष सही है, केवल सेकंड निष्कर्ष सही है। ये डायग्राम है, देख लीजिएगा पूरी क्लास, और इस तरीके से आपको ये सॉल्व होगा। और इसकी पीडीएफ भी आपको चैप्टर के साथ ही, पीडीएफ पूरी साथ के साथ आपको मिल रही है, और उस पीडीएफ में यही एग्जांपल है। और इसके अलावा भी घर के प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल और मैं दूंगा आपको, उनको भी आप करना, ठीक है। और इन केस उनमें से अगर कोई नहीं होता है, वैसे सारे हो जाएंगे इसी पैटर्न के, है ना, नहीं होते हैं अगर इनमें से, तो समझ जाना कमी हमारे अंदर ही है। फिर भी आपको लगे कि हाँ साहब ठीक है, तो मेरा जो नंबर लिखा है आपके ऐप में, है ना, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता देंगे आप कौन से बैच के हैं, और उस बैच का नाम लिख के मेरे पास मैसेज छोड़ देना, मैं आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है, यूँ परेशान मत होना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सेवन, कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ क्लिप पेन हैं। कथन को देख के डायग्राम बना रहा हूँ, देखो, कुछ पिन क्लिप हैं और कुछ क्लिप पेन हैं, सही है। कथन को देख के डायग्राम, निष्कर्ष चेक करना है। कुछ पिन पेन हैं, पॉजिटिव बात, कोई पिन पेन नहीं है, नेगेटिव बात। अब देखो, पिन और पेन की स्थिति क्लियर नहीं है, एक में कह रहा है और एक में कह रहा है नहीं है। मैंने क्या समझाया था कि जब डायग्राम क्लियर ना हो, एक में पॉजिटिव बात कह दे है, एक में नेगेटिव बात कह दे नहीं है, ऐसी सूरत में कौन सी कंडीशन आती है भाई? या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, या तो वाली कंडीशन का एग्जांपल है। तो याद रखेंगे कि जब भी डायग्राम क्लियर ना हो, एक में कह दे पॉजिटिव बात है और एक में कह दे नेगेटिव बात नहीं है, और स्थिति क्लियर नहीं हो, ऐसी सूरत में कौन सी कंडीशन आती है भैया? या तो। आठवां देखिए, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे क्या हैं? खिड़कियां हैं। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां क्लिप हैं, कुछ खिड़कियां क्या हैं? क्लिप हैं, ठीक है। कथन को देख के डायग्राम ये बनेगा, निष्कर्ष चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों सही हैं, दोनों गलत है। पहला, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, क्लिप जो हैं वो दरवाजे से टच हैं क्या? नहीं है। स्थिति क्लियर नहीं होती है तो गलत माना जाता है। और कुछ खिड़कियां क्लिप हैं, खिड़कियां क्लिप हैं क्या? ये सही है। आंसर आएगा केवल सेकंड सही है, केवल सेकंड सही है।
ये आंसर आएगा। ठीक है भाई, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट इसको करके बताओ। चलो ये थोड़ा सा टफ है। कोई जूता चप्पल नहीं है, कोई भी जूता क्या नहीं है भाई, चप्पल नहीं है। कुछ चप्पल सैंडल हैं, कुछ चप्पल सैंडल हैं, जो सैंडल चप्पल से टच हैं उनकी भी जूते से मना होगी ही। क्लियर है, इतने सैंडल की जूते से मना होगी ही। अब मेरी बात सुनो ध्यान से पूरी क्लास, यहां पर जितने सैंडल चप्पल से टच हैं उनकी जूते से मना होगी। अगर आपसे कहा जाए कुछ सैंडल जूता नहीं है निष्कर्ष में, तो बात सही है। कुछ मतलब इतने सैंडल जूता नहीं है तो ये बात सही है। अगर कहा जाए सभी सैंडल जूता नहीं है तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे इस डायग्राम में कुछ सैंडल की जूते से जानकारी है पर सभी सैंडल की जूते से जानकारी नहीं है। तो जिसके बारे में पता ना हो उसको हमेशा क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। अब कह रहा है पहला निष्कर्ष, कोई सैंडल जूता नहीं है। कोई का मतलब होता है सभी, कोई का मतलब क्या होता है सभी। जैसे मैं कह दूं आप सभी क्लास के बाहर नहीं जाओगे, एक तो मैंने ये बात कही और एक मैंने आपसे कहा आप में से कोई भी क्लास के बाहर नहीं जाएगा, तो दोनों बातें एक ही है। मतलब क्लास के बाहर तो जाना ही नहीं है। वापस सुने, मैं कह दूं आप सभी क्लास के बाहर नहीं जाओगे और आप में से कोई भी क्लास के बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब बाहर तो जाना ही नहीं है। तो यहाँ कोई का मतलब सभी होता है, कोई सैंडल जूता नहीं है इसका मतलब सभी सैंडल जूता नहीं है। और सभी सैंडल की जानकारी है क्या? नहीं है। और जिसकी जानकारी नहीं होती है उसे क्या करते हैं, हमेशा गलत करते हैं। सैंडल जो चप्पल हैं जूते नहीं है, जिनको डार्क किया है, सैंडल जो चप्पल हैं वो जूते नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड सही, फर्स्ट गलत, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल 10वां नंबर है, इसको सॉल्व कर रहा हूं। यहां कह रहा है कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां क्या हैं भैया, ताले हैं। कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। कुछ ताले क्या हैं, दरवाजे हैं। कथन को देख के ये डायग्राम इसका बनेगा। अब एक और कह रहा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां हैं। तो यहां आएगा भाई खिड़कियां। तो कथन को देख के डायग्राम ये बनेगा, पूरी क्लास देख लीजिए। निष्कर्ष को हमें चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। पहला लिखा है कुछ चाबियां दरवाजे हैं, चाबी दरवाजे, स्थिति क्लियर है क्या? फर्स्ट की नहीं है, पहला गलत। कुछ खिड़कियां ताले हैं, खिड़कियां ताले से टच हैं क्या? बिल्कुल है। तो यहाँ पर आंसर आएगा केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। देख लीजिए पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कथन को देख के डायग्राम बनाना होता है, निष्कर्ष को चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट 11 नंबर है, यहाँ लिखा है सभी स्पोर्ट्स गेम्स हैं। अब देखिए भाई, सभी स्पोर्ट्स गेम्स हैं, फिर लिखा है सभी ओलंपिक गेम्स हैं, सभी ओलंपिक, सभी ओलंपिक गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स के अंदर है ना। फिर कह रहा है सभी प्लेज ओलंपिक गेम्स हैं, तो प्लेज ओलंपिक के अंदर ये डायग्राम बनेगा कथन से इसका, देख लीजिए पूरी क्लास। इसके अनुसार फिर आंसर आएगा। पहला कुछ गेम्स प्लेज हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कुछ वाली कंडीशन क्या मानी जाती है, सही मानी जाती है।
कुछ स्पोर्ट्स प्लेज हैं, स्पोर्ट्स प्लेज से टच है क्या, स्थिति क्लियर है क्या, और जिसकी स्थिति क्लियर नहीं होती है उसके लिए क्या समझाया था, गलत होता है। तो यहाँ सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, ऐसे सॉल्व होगा। देख लीजिए 11 नंबर का एग्जांपल है ये। नेक्स्ट 12, इसको एक बार ट्राई करें। सभी पुस्तकें उपन्यास होती हैं। देखिए भाई, सभी की बात कह रहा है, सभी पुस्तकें उपन्यास होती हैं, ठीक है। और कुछ उपन्यास कविताएं होती हैं, कुछ उपन्यास क्या होती हैं भैया, कविताएं होती हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ पुस्तकें कविताएं होती हैं, पुस्तकें कविताओं से टच है क्या, नहीं है। सभी कविताएं उपन्यास होती हैं, कविताएं उपन्यास के अंदर हैं क्या, नहीं। तो दोनों ही निष्कर्ष क्या है यहां पर, गलत है, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए आप सभी, ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्व मैं करूंगा, ठीक है। तो पूरी क्लास ट्राई कर लो, देन उसके बाद सॉल्व मैं करता हूं। सभी कैलकुलेटर घड़ियां हैं। हाँ भाई, सभी कैलकुलेटर क्या हैं, घड़ियां हैं। फिर कह रहा है सभी फोन घड़ियां हैं, फोन भी किसके अंदर आएंगे, घड़ियों के अंदर आएंगे, सही है भाई। फिर कह रहा है सभी घड़ियां टीवी हैं, सभी घड़ियां क्या हैं भैया, टीवी, ठीक। ये डायग्राम है इसका। अब निष्कर्ष चेक होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट पे बात करें, सभी फोन टेलीविजन है, अंदर से बाहर सभी वाली कंडीशन सही मानी जाती है। कुछ टेलीविजन कैलकुलेटर हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कुछ वाली कंडीशन भी क्या मानी जाती है, सही मानी जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष डाइग्राम को देख कर बिल्कुल क्या है, सही है। देख लीजिएगा, दोनों ही निष्कर्ष डाइग्राम को देख कर बिल्कुल सही है, इसे ट्राई करो। चलो एक बार कोशिश करो डायग्राम बनाने की, और फिर मैं बताता हूं कैसे डायग्राम बनेगा। तो यहां पर लिखा है कुछ इरेजर शॉर्पनर हैं, कुछ इरेजर क्या हैं, शॉर्पनर हैं। कुछ शॉर्पनर ब्लेड हैं। कोई ब्लेड चाकू नहीं है, ब्लेड की मना है, किससे मना है, चाकू से मना है। लो भाई ये डायग्राम है। अब ब्लेड की चाकू से मना है, तो जितने शॉर्पनर ब्लेड से टच होंगे उनकी भी चाकू से मना होगी, और ये शॉर्पनर का कुछ वाला हिस्सा है। कौन सा वाला हिस्सा है, कुछ वाला हिस्सा है। पहला कह रहा है कुछ शॉर्पनर चाकू हैं, है कि स्थिति क्लियर नहीं है, गलत है पहला। कुछ शॉर्पनर चाकू नहीं है, कुछ मतलब इतने शॉर्पनर चाकू नहीं है, ये बात क्या है, सही है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, साहब इसमें आइदर वाली कंडीशन या तो वाली कंडीशन क्यों नहीं लगाई, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव है ये। देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो है, पर डायग्राम क्लियर है, इतने शॉर्पनर की चाकू के साथ में मुझे पता है कि मना हो रही है। या तो वाली कंडीशन कब आती है, जब डायग्राम क्लियर नहीं होता है, जब डायग्राम ही क्लियर ना हो तब या तो वाली कंडीशन आती है। मतलब जिसके बारे में हमें पता ना हो, जिसके बारे में पूरी जानकारी हमें ना हो, उसके लिए फिर या तो वाली कंडीशन आती है। और जब डायग्राम थोड़ा भी क्लियर हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा रहे, तो ऐसी सूरत में आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा सही है डायग्राम के अकॉर्डिंग और कौन सा गलत है। फिलहाल यहाँ पर जो आएगी वो या तो वाली कंडीशन नहीं आएगी, यहाँ पर केवल निष्कर्ष सेकंड सही होगा। डायग्राम को नोट कर लीजिएगा सभी। नेक्स्ट
नेक्स्ट, सभी जैकेट कमीज हैं, ये पूछ रहा है सभी जैकेट कमीज हैं, तो देखिए सभी जैकेटें क्या हैं, कमीज हैं। फिर कह रहा है कुछ कमीज कोट हैं, कुछ कमीज क्या हैं, कोट हैं। सभी कोट सूट हैं, सभी कोट क्या हैं भैया, सूट हैं। ये कथन को देख के डायग्राम बनेगा, निष्कर्ष को चेक करना है कौन सा सही कौन सा गलत, दोनों सही या दोनों गलत। पहला, कुछ जैकेट सूट हैं, जैकेट सूट से टच हैं क्या, नहीं है भाई, पहला गलत है। कुछ कमीज सूट हैं, कमीज सूट से टच हैं क्या, बिल्कुल हैं, सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल सही है। देख लीजिएगा ऐसे बनेगा ये डायग्राम। अब कुछ पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और बड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, कथन को देख के डायग्राम बनाना है, निष्कर्ष को चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं, वो आपको पता करना है, ठीक है। तो ट्राई सभी करेंगे एक बार अपने हिसाब से, और फिर सॉल्व मैं करता हूँ इसको, है ना। क्या लिखा है, सभी फूल पत्तियां हैं, उससे पहले लिखा है सभी शाखाएं फूल हैं, सभी शाखाएं क्या हैं, फूल, सभी शाखाएं क्या हैं भैया, फूल हैं, ठीक है। फिर लिखा है सभी फूल पत्तियां हैं, सभी फूल क्या हैं, पत्तियां हैं, ठीक है, सभी फूल पत्तियां हैं। कथन को देख के डायग्राम बन चुका है, निष्कर्ष चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। पहला, सभी शाखाएं पत्तियां हैं, सभी शाखाएं पत्तियां हैं, अंदर से बाहर सभी सही माना जाता है। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ वाली कंडीशन भी सही मानी जाती है, जानते हो आप। सभी फूल शाखाएं, बाहर से अंदर सभी वाली कंडीशन क्या मानी जाती है भाई, गलत, नियम के अनुसार। और सभी पत्तियां शाखाएं हैं, सभी पत्तियां शाखाएं बाहर से अंदर, गलत। सही कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन की बात करते हैं तो परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन देके आएंगे आप, सी ऑप्शन, ऐसे होगा, नोट कर लीजिए पूरी क्लास। तो यहां पर याद रखना है, कथन को देख के डायग्राम बनाना है, निष्कर्ष को चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, इसको ट्राई करो, चलो मैं देखता हूँ कितने लोग आंसर बताएंगे आप में से परफेक्ट, ट्राई करो सभी। यहाँ कह रहा है सभी फल पेड़ हैं, सभी फल क्या हैं, पेड़ हैं। कोई फूल पेड़ नहीं है, कोई फूल पेड़ नहीं है। अब भैया फूल की मना है किससे, पेड़ से, और यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है वो पहले वाले में ऑल फ्रूट्स आर ट्री, सभी फल पेड़ हैं। फिर कह रहा है नो फ्लावर इज ट्री, मतलब कोई भी फूल पेड़ नहीं है, तो ठीक है भैया फूल की जो मना है वो किससे मना है, पेड़ से मना है, सही है। ये डायग्राम है इसका, पहला कोई फूल फल नहीं है, सही बात है, जब फूल पेड़ ही नहीं है तो फल कहाँ से होंगे। कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ जो हैं वो फल हैं, कुछ अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कुछ वाली कंडीशन क्या मानी जाती है, सही। तो सही कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, परफेक्ट आंसर डी ऑप्शन देके आओगे, ऐसे होगा, ये देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए पूरी क्लास, यहां पर कह रहा है कुछ पेंसिलें रबड़ हैं, कुछ पेंसिलें रबड़ हैं,
सभी पेंसिलें शॉर्पनर हैं, सभी पेंसिलें क्या हैं, शॉर्पनर हैं, इसको अलग से बनाता हूँ, सभी पेंसिलें क्या हैं, शॉर्पनर हैं, शॉर्पनर, ठीक है। पहले तो कह रहा है किस, अच्छा पहले वाले में कुछ कह रहा है, कुछ पेंसिलें रबड़ हैं, ठीक है भाई, कुछ पेंसिलें रबड़ हैं, और फिर कह रहा है सभी पेंसिलें शॉर्पनर हैं, तो एक काम करते, रबड़ ऐसे आ जाएगी, रबड़, ठीक है। अब सही हो गया, पूरी क्लास दोबारा देख लो। पहले भी लिखा था कुछ पेंसिलें रबड़ हैं, तो रबड़ को पेंसिल से टच कर दिया मैंने। फिर कह रहा है सभी पेंसिलें शॉर्पनर हैं, सभी पेंसिलें शॉर्पनर के अंदर कर दी। फिर कह रहा था सभी रबड़, सभी रबड़ क्या नहीं है, शॉर्पनर नहीं है, ऑल इरेजर आर नॉट शॉर्पनर। अच्छा, तो ये बात ध्यान रखनी है कि रबड़ जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए भाई, रबड़ क्या नहीं होनी चाहिए, सभी रबड़ क्या नहीं होनी चाहिए, शॉर्पनर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो अब निष्कर्ष क्या है वो आपको देखना है। पहला, सभी रबड़ पेंसिलें हो सकते हैं, सभी रबड़ पेंसिलें हो सकते हैं, कंडीशन पॉसिबिलिटी, जब शॉर्पनर की रबड़ से मना कर दी तो पेंसिल से हाँ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, पहला गलत है। दूसरा, कुछ शॉर्पनर रबड़ हैं, ऊपर मना कर रहा है सभी रबड़ शॉर्पनर नहीं है, तो कुछ शॉर्पनर रबड़ हो सकती है क्या, बोलो, नहीं हो सकती, ये भी गलत। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही निष्कर्ष गलत आएंगे, परफेक्ट आंसर देके आएंगे सी ऑप्शन, ऐसे होगा ये, देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट आंसर बताओ, चलो ट्राई करो पूरी क्लास। कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, तो देखिए कुछ चूहे क्या हैं, बिल्लियां। फिर कह रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। अरे कुत्ता की किससे मनाए, गाय से मनाए, जब कुत्ता गाय नहीं है तो इतनी बिल्ली गाय हो सकती है क्या, बोलो, नहीं हो सकती। ये डायग्राम है, पहला कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, हाँ भाई, कुछ गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, सभी गाय की बिल्ली से मना है क्या, नहीं है। कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, कुत्ता और चूहा की नहीं की जानकारी है क्या हमारे पास, नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ये बात सही है, तो यहां पर केवल थर्ड आएगा, परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन आएगा, देख लीजिए पूरी क्लास, ऐसा होगा ये। चलो इसको ट्राई करो। यहां कह रहा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं। फिर कह रहा है सभी बिल्लियां काली हैं। अच्छा, बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी बिल्लियां ही क्या है भैया, काली हैं, सभी बिल्लियां क्या हैं, काली हैं। डायग्राम ये बनेगा इसका, और अगर इन डायग्राम को मिला लिया जाए तो इसमें ये डायग्राम बन सकता है, बिल्ली काली फिर कुत्ते, या फिर बिल्ली कुत्ते काली, एक के अंदर एक, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला, सभी कुत्ते काले हैं, सभी कुत्ते काले हैं, स्थिति क्लियर नहीं है कुत्ते काले की, कि सभी कुत्ते काले होंगे ही, ये स्थिति क्लियर नहीं है, सभी वाली तो क्लियर नहीं है। दूसरा, कुछ कुत्ते काले हैं, अब कुछ अंदर से बाहर आ जाएं या बाहर से अंदर आ जाएं, जब डायग्राम को मिला लोगे तो कुछ वाली कंडीशन तो अंदर से बाहर, बाहर के अंदर के लिए सही होती है, तो केवल सेकंड सही है, और आंसर जो दे के आओगे वो बी ऑप्शन दे के आओगे आप, ऐसे होगा।
नेक्स्ट करो ट्राई। ये कह रहा है कि कुछ व्यक्ति महान होते हैं, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, महान होते हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं ना। अब यहां पर कह रहा है व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, तो डायग्राम को देख के बात सही है। कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना बुद्धिमान होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस मैंने क्या समझाया था इस डायग्राम के लिए, क्या होता है, गलत होता है, ना लिखा है ना, ठीक है। तो केवल कौन सा सही आएगा, फर्स्ट, और केवल फर्स्ट किस ऑप्शन पे है, फर्स्ट पे, ऐसे होगा ये, देख लीजिएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है सिलोजिज्म आज, और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ मैंने आपको दी है वो देखना है, साथ में जो बुकलेट मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा इसके साथ में इसी चैप्टर में ही, उसको भी देखना, ठीक है। और ये हर किसी एग्जाम में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।